रूबीका लियाकत ने सच सवर कर कार ड्राइव करते हुए औरतों को लेकर किया पोस्ट, तो आ गई सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल अपने जर्नलिज्म के तरीके और सरकार के बदले हमेशा विपक्ष से सवाल करने वाली एबीपी न्यूज एंकर रूबीका लियाकत अक्सर ही अपने ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ जाती हैं और कई बार उनको बुरी तरह से ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। अब ऐसा ही कुछ फिर से देखने को मिला है। रूबीका लियाकत ने सच संवर कर ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपना फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, लोग क्यों सोचते हैं कि जब एक महिला पूरी तरह से तैयार है तो उसे ड्राइविंग सीट पर नहीं होना चाहिए। कोई गलती ना करें, स्टीयरिंग हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए, चाहे आप तैयार हो या ना हो। रूबीका लियाकत की इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस पर एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, अगर आपकी पत्रकारिता का स्टीयरिंग भी आपके हाथ में होता तो हमारा देश एक बेहतर जगह होता। तो वहीं विनय दाहिया नाम के एक यूजर ने रूबीका लियाकत के पुराना ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा, रूबीका लियाकत आप चीन की चीजों वस्तुओं को बैन तथा खरीद ना करने की वकालत करती हो और आप खुद चीनी कंपनी एमजी की कार चला रही हो, ये दोगलापन क्यों? तो ब्रिजेश देशमुख नाम के एक यूजर ने लिखा, बहुत अमीर हो आप, इसीलिए आपको आम जनता की परेशानी नहीं दिखती और आप प्रचार मंत्री का प्रचार वाला इवेंट करती है जर्नलिज्म को भुलाकर। पीआर इवेंट करते हो और अमीर हो रहे हो, दीन दुगना, रिप जर्नलिज्म, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे तुम ही जैसे हैं। तो अभिमन्यु नाम के एक यूजर ने मीडिया हाउस का एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, कृपया करके इसे देखें, ये आपके लिए मीडिया पावर, और फिर अपने आप को आईने में जाकर देखें। तो विकास गर्ग नाम के एक यूजर ने लिखा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ड्राइव करो या साइड में बैठो या पीछे बैठो, अपने आप को एक नारीवादी की तरह पेश करना बंद करो। हाँ, फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम कुछ पैसों के बदले और नौकरी जाने के डर से इस देश को बेच रही हो, एजेंडा पत्रकारिता कर रही हो, फोर्थ पिलर को कमजोर कर रही हो। ऐसे कितनी सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।